एंजल को रियल वाला क्रिसमस ट्री चाहिए था। एंजल आर यू हैप्पी? अच्छा लग रहा है क्योंकि आज से मेरी दवा बंद हो गई, मेरी तबीयत भी एकदम ठीक हो गई है, नहीं तो कड़वी कड़वी दवा खानी पड़ रही थी। तो अभी मैं लंच बनाने जा रही हूँ और लंच में आज मैं सिंपल बनाऊँगी बट अपना फेवरेट बनाऊँगी क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने सिंपल वाला दाल चावल नहीं खाया जो कि सबका फेवरेट होता है, मेरा क्या सभी का फेवरेट होता है दाल चावल, तो वही मैं जा रही हूँ बनाने। और क्या, इधर इंजू की क्लास चल रही है, अभी इसको थोड़ा सा ब्रेक मिला है तो वो कर रही है मस्ती। देखो एंजल गुस्सा है मम्मा से, नहीं तो देखो मुझे बार बार फंसाते सब, तुम फंसने वाले हो। ओ माय गॉड, फ्रेंड्स तो अभी शाम को बज गए हैं 5 और मैं बैठ गई हूँ एंजू को पढ़ाने के लिए और ये उसका छोटा सा प्यारा सा डस्टबिन है जो वो हमेशा जब भी स्टडी करती तो अपने पास ही रखती ताकि वो कुछ भी डस्ट हो तो उसी में डाल दे, उसको बार बार उठ के जाना अच्छा नहीं लगता है। एंड मैंने बच्चों को मिल्क दे दिया तो लास्ट में ना एकदम थोड़ा सा दूध बचा था, मतलब 2 घूंट कॉफ़ी मैंने अपने लिए बनाई है क्योंकि उस दूध को मैं कहाँ रखती मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने कॉफ़ी बना ली और बस वही मैं इंजॉय कर रही हूँ साथ में एंजल को पढ़ा भी रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं एंजल का काम करवा करवा के और उसका काम समझ में नहीं आ रहा, मतलब एक ही चैप्टर का चार चार पांच पांच शीट आई हुई है, कभी पार्ट 1 कभी पार्ट 2 कभी होमवर्क कभी क्लास वर्क, मतलब हद है यार, बच्चा क्या लिखेगा और क्या पढ़ेगा। मेरी एक चैप्टर लिटरेचर में ना 27 वर्ड मीनिंग चाहिए सबसे पहले वाला चैप्टर। तो ये देखो हमारे यहाँ आ गए नए मेहमान और ये कितना बड़ा सा है ग्वावा का पेड़ और इसमें देखो ग्वावा भी लगे हुए हैं 1 2 ओके। ये है एंजल को रियल वाला क्रिसमस ट्री चाहिए था। एंजल आर यू हैप्पी? ओके। और ये है, ये इसको हम लोग मोर पंखी बोलते हैं बट इसका रियल नाम मुझे पता नहीं है। तो ये देखो ये 4 गमले ये वाले हैं और एक ये बड़ा सा है, इसमें तो अमरूद कलर है। और अभी ना ये कड़ी पत्ता का जो पेड़ है वो सामने भैया के यहाँ से हम लोगों ने लिया है तो काफी बड़ा है बट नीचे से इसकी जड़ ना हल्की सी कट गई है, बाकी जड़ है अभी इसमें, तो भैया ने बोला ट्राई कर लो अगर लग जाएगा तो ठीक है नहीं तो फिर नया पेड़ निकाल के दे देंगे। और ये सब तो आपने देखा ही है, ये सब पहले से हैं। ये मेरा है महाराजा और ये एकदम बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी, आई डोंट नो कैसा होगा और मैं इसको कैसे खाऊंगी मैं ये सोच रही हूँ, इतना बड़ा पिज्जा सॉरी बर्गर। और ये एंजू का पिज्जा और ये अंश का पिज्जा, तो चलो अभी इसको करते हैं एंजॉय। राज
अपनी फूड खा लिया और इसी के साथ हमारा डिनर भी हो गया क्योंकि 8 बज गए और आज राज ने भी एंजॉय किया है। बहुत बढ़िया। आज बहुत दिनों के बाद राज ने बोला कि मुझे भी अच्छा लगा, मतलब खा के सेटिस्फेक्शन हुआ, वरना राज को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो कोई बात नहीं, तो चलो अभी हमारा कैरम का सेटअप लग चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं कैरम खेलने। तो कैरम में आज दो टीम बन रही है, एक राज और अंश की और एक मेरी और एंजल की। तो देखते हैं कौन जीतेगा। तो चलो फ्रेंड्स, फिर ये वाले वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी जरूर हिट कर देना। थैंक यू फॉर